वो था यहाँ पर और अभी देख रहा हूँ कि वो गायब है। मैं सुपरनेचुरल चीज़ों में बिलीव करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। मेरे ख्याल से इस जगह पे और रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। सो लेट्स मूव। ये हैं वो राहें जिन पर मैं चला, वो झरने जिनका पानी पिया, वो जंगल जहां रात गुजारी, ये हैं मेरे दिन मेरी रातें, ये है मेरी यात्रा मेरी उड़ान, और ये हूं मैं जो चल पड़ा मुंबई से प्रयागराज पैदल। कल रात मुझे सियारों के एक झुंड ने घेर लिया। 7-8 की संख्या में रहे होंगे। रात को 1:30-2 बजे के आसपास मेरे टेंट के पास आके चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने। बड़ी मुश्किल से भगाया मैंने उनको, और एक बार को तो ऐसा भी लगा कि मतलब आज मैं इनका डिनर ना बन जाऊं कहीं। पर थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। चलो, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, इससे मालूम चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। सो लेट्स मूव मूव आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एक बाग दिखी है। शाम का वक्त हो गया, कहीं रुकने की जगह ढूंढनी है, और इस बगिया में मुझे दिख रहा है पीछे एक झोपड़ी है और एक टूटी हुई चारपाई भी है। सो लुक एट दिस, यो आज तो लॉटरी लग गई बॉस। आई थिंक मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, अपने सोने भर का तो बना ही सकता हूँ। चलो फिर काम पे लग जाओ दोस्त। इसमें मेरे पास है कुछ रस्सियाँ जिससे मैं इस चारपाई को रिपेयर करने वाला हूँ। तो इन रस्सियों से मैं तो सही करने वाला हूँ। ऑलराइट, इसका पैर हो गया मजबूत, काफी मजबूत। अब इसकी सिलाई करनी पड़ेगी। अब हम चले सोने। गुड नाइट। ये देखिए, ये रही मेरी टूटी हुई चारपाई, और ये देखिए छप्पर गायब है। छप्पर ऊपर से गायब है, और यहाँ पर जो बैरिकेटिंग की थी मैंने, याद होगा वो बांस का, वो सब भी गायब है। यहाँ पर कुछ नहीं है, छप्पर पूरा गायब है। मतलब वो कैमरे में आया है मेरे, ऐसा नहीं कि वो मेरे दिमाग का भ्रम है केवल, वो था यहाँ पर। तो चारपाई टूटने का समझ में आता है कि चारपाई टूट गई, टूट सकती थी, ख़राब थी, जर्जर थी। मैं सुपरनेचुरल चीज़ों में बिलीव करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। मेरे ख्याल से इस जगह पर और रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से निकल लेने में भलाई है। सो लेट्स मूव। मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बड़ी घबराहट सी हो रही थी और बेचैनी सी भी थी, तो मैंने वहाँ से हटना ही ठीक समझा। एक बार तो सोचा कि मैं सुबह तक रुकूं और वो उजड़ी हुई झोपड़ी को शूट करूं,
कि फिर मैंने सोचा कि यार फालतू में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पर एक जंगल में हूँ। यहाँ मैंने जंगल क्या बाग है, यहाँ मैंने आग जलाई है और यही रात निकालूंगा। मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना कोई सड़क, ना कोई पगडंडी, कोई गांव नहीं, कुछ नहीं। पर फिर भी मैं चल रहा हूँ क्योंकि मेरे बाबा एक बात कहा करते थे। वो कहते थे अगर ज़िंदगी में कभी कहीं भटक जाओ, कोई राह ना दिखाई पड़े, तो भी रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। तो क्या पता तुम रास्ता नहीं ढूँढ पा रहे हो, रास्ता ही तुम्हें ढूँढ ले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किधर बढ़ना है, सब तरफ एक जैसा ही दिखाई पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा इधर चलता हूँ, फिर थोड़ा उधर चलता हूँ, फिर थोड़ा उधर चलता हूँ, लेकिन कहीं भी जाऊँ ऐसा लगता है जंगल के और अंदर ही घुस रहा हूँ। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, एक पैकेट ओट्स बचा हुआ है और आधा पैकेट पार्ले जी। तो अगर जल्दी मुझे रास्ता नहीं मिला तो मेरी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा, डर क्या है? उन्होंने एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उत्तर दिया, मेरे साथ कुछ गलत होगा यह सोचना ही डर है। इसका मतलब डर पूरी तरह से हमारी सोच पर निर्भर है। मैं डरूंगा या नहीं यह पूरी तरह से मेरे हाथ में है, और यदि यह मेरे हाथ में है तो फिर मैं क्यों डरूं? गूगल बाबा फेल हो चुके हैं, जीपीएस महाराज ने हाथ ऊपर कर दिए हैं और अंबानी के जियो मेरे लाल कल से लापता हैं। इन शॉर्ट स्मार्टफोन की सारी स्मार्टनेस गायब हो चुकी है। पर देखा जाए तो मेरे लिए एक सुनहरा मौका भी है, क्योंकि ये खाली समय और बेकार पड़े मोबाइल से मैं बहुत सारा फुटेज शूट कर सकता हूँ। खूब जमा टिका के शूट करने का मौका है, तो ठीक है मैं शूट करता हूँ और आप इस निर्दयी जंगल की खूबसूरती का आनंद उठाइए। जैसे जैसे मैं इस जंगल के भीतर घुसता जा रहा था, मुझे लग रहा था मानो मैं जंगल में नहीं अपने मन के भीतर चल रहा हूँ, मानो यह मेरे भीतर उगा हो, या पेड़ पौधे, ये तमाम लताएं, घास फूस सब मेरे दिल की जमीन पर उगे हों। मेरा दिल इतना खूबसूरत है मुझे तो पता ही नहीं था। एक नई डिश बना के खाऊंगा आप। यस।
वाह, अद्भुत। अपनी भूख पर रखना पड़ेगा काबू। ये पूरा इलाका सांपों से भरा हुआ है। मुझे रास्ते में बहुत सारे सांप मिले, तो ज़मीन पे टेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मेरे पास हैमॉक है, और मैं सोचा हूँ इन दोनों पेड़ों में हैमॉक को बांध के आज मैं ऊपर ही रात गुजारूँ। हालांकि नींद क्या आएगी, लेकिन फिर भी जिंदा रहे तो खूब सो लेंगे। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। गुड मॉर्निंग। पता है, मुझे लगा था यहाँ नींद नहीं आएगी मुझे, पर मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। मैं बड़ा बेफिक्र होकर सोया। वैसे भी थकान और नींद की बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैंने सोचा यार, जब होना है सो हुआ करे, नींद क्यों ख़राब करना उसके लिए, है कि नहीं? यही सोच रहे हैं ना कि जंगल में कौन शेव करता है। देखो गुरु, बात ऐसी है, हालात चाहे जो भी हो, बंदा स्मार्ट दिखना चाहिए बस, है कि नहीं? क्या कोई जानवर खाए तो सोचे बाद में जाके किसी स्मार्ट बंदे को खाया था, ऐसा कोई लल्लू पंजू नहीं था। इसलिए स्मार्ट दिखना ज़रूरी है। भी सोचता हूं कि मैं उस पल क्यों रोया, क्या था वह जो मेरी आंखों से बह रहा था? खुशी, दुख, थकान, दर्द, सुकून, या सब एक साथ? जो भी था, उस वक्त मेरे आंसुओं का मोल मेरे मन का नमक ही जानता था। चलो अब नदी मिल गई है, अब तो जरूर आसपास कोई गांव या सड़क मिल ही जाएगी जल्दी। फाइनली मैं यहाँ से निकल ही आया। पानी कितना भी गंदा हो, भाप हमेशा शुद्ध होती है। भाप सारी अशुद्धियों को नीचे छोड़कर ऊपर उठती है। इसीलिए कभी भी पानी को साफ़ करना हो, आप एक मलमल का कपड़ा ले लीजिए या कोई भी कॉटन का कपड़ा, साफ हाथ साफ रखिए, और उसके बाद उसके ऊपर उसको लगाइए, भाप से उसको भीगने दीजिए, और फिर उसका सारा पानी निकाल लीजिए, तो पीने लायक होता है। सी ओए, तेरी तो लग गई, तू तो बुरा फंस गया चूतिए। ओए, गाली देता है, जूते से मारूंगा, समझा ना, चल हट। जब आदमी खाली होता तो यही सबक चोरी करता।
सही कहा है किसी ने, यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग यू आर अंटिल बीइंग स्ट्रांग इज द ओनली चॉइस यू हैव. Until being strong is the only choice you have. जिंदगी हर पल हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार करती है और हमारे सफर को एडवेंचरस बनाने के लिए नई नई चुनौतियां पेश करती है. बीते दो दिन मेरी इस यात्रा के सबसे रोमांचक दिन थे. मैंने जाना कि मायने यह नहीं रखता कि परिस्थितियां कैसी रहती हैं, मायने यह रखता है कि उन परिस्थितियों में हम कैसे रहते हैं. चैलेंजेस कैसे आएंगे हमारे बस में नहीं है, लेकिन उन्हें फेस कैसे करना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है. सो इवन इफ यू आर इन हेल, लिव वेल. रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. ओ राही जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. फाइनली मैं पहुंच गया हूं प्रयागराज. आया मेरा दोस्त, दोस्तों सलाम करो. नरे गोटे में चुन, नरे गोटे में चुन.